बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। किन्हीं को आशीर्वाद देते तो किस प्रकार से आशीर्वाद देते आप? दे दीजिए बाबा। वाह क्या बात है, क्या बात है, देखिए इनके इशारों। हाँ वाह, हाँ भी बोल रहे हैं, आशीर्वाद दिए तो बोल रहे हैं। हाँ जो है सर, एक बार खींच ली। अरे बाबा क्या राजा बाबू, ध्यान है ना बाबा? है ध्यान। देखिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने बहुत सारे बैल को देखे होंगे, लेकिन आप मेरे सामने जिस बैल को देख पा रहे हैं वो बैल जो है आपके बोली से, इशारे से ये बैल जो है, यानी कि आपको जो भी सवाल पूछिए ये जो है अपने इशारे से सारा चीज बता देंगे। इन्होंने जो है बाबा मुसाफिर है, इनको लेकर चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं, इन्हीं के साथ हमेशा रहते हैं। इनसे बात करते हैं कि ये बैल क्या कुछ करके दिखा देते हैं। क्या नाम हुआ बाबा? मेरा नाम बृजमोहन प्रसाद देव हुआ। कहाँ से आए हैं आप? हमारा घर माधोपुर बहरा थाना पड़ता है। बहरा थाना, ये बताइए आप कब से इनके साथ रहने लगे? हम इससे 4 साल से इसके साथ रह रहे हैं। 4 साल से? तब तो ये बहुत बच्चा होंगे। बहुत बच्चा था, दूध भी नहीं छोड़ा था उसी समय से इसके साथ। ये क्या आपको ये इसके साथ रहते हैं, ये इशारा मतलब सब कुछ करते रहते हैं? इशारा पे होता है बाबू, हर सामान इशारा पे होता है। हाँ। अच्छा कुछ बोलिए तो इनको इशारा करके दिखाता है कि नहीं? क्या राजा बाबू, ध्यान है ना बाबा? हाँ बोलिएगा। हाय ध्यान। देखिए ये मुंडी हिलाकर जो है इशारा करते रहता है। ये पूछ बाबू, हाँ बोलिएगा। नहीं कोई गलती नहीं है। देखिए इन्होंने पूछ रहे हैं तो क्या कुछ गलत बात है बाबू? तो इन्होंने मुड़ी हिलाकर बोल रहा है कि नहीं। अच्छा ये बताइए, अच्छा किन्हीं को आशीर्वाद देते तो किस प्रकार से आशीर्वाद देते आप? दहना चरण उठा करके देता है बाबू। हाँ थोड़ा बोलिए तो। ये दहना चरण उठा करके देता है, पीछे हटेगा बाबा, एक हाथ पीछे। देखिए इनके बातों को, सारे बातों के ध्यान देखते हैं। देखिए एक बार आशीर्वाद दीजिए, एक बार आशीर्वाद। अच्छा से आप झुकिए, नहीं आप नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, बोलिए। दे दीजिए बाबा। वाह क्या बात है, क्या बात है, देखिए इनके इशारों। हाँ वाह, हाँ भी बोल रहे हैं, आशीर्वाद दिए तो बोल रहे हैं। हाँ अच्छा ये बताइए, मेरा शादी होगा कि नहीं होगा? होगा बाबू शादी इनका, होगा। क्या सही है? नहीं कुछ दिक्कत है शादी में? दिक्कत है शादी में, आपको परेशानी लिखता है? झूठो ही बोलते हो। नहीं सही बोलता है। मेरा शादी हो गया है कि नहीं हुआ है? क्या बाबा शादी हुआ है इनका? आ बोलिएगा सही से, हुआ है बाबा? सोचे पड़ गए। हाँ हो गया है शादी, हो गया। नहीं हुआ है शादी बाबा, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलते हैं बाबा आप? नहीं। अच्छा ये इनको क्या सब खिलाते हैं? इनको हर चीज खिलाते हैं बाबू। इतना खाने वाला होता है, अनाज से लेकर के घास भूसा सब खाता है। आप जो घूमते रहते हैं क्या कुछ मतलब? क्या स्पेशलिस्ट है यहाँ पे दाना है? जैसे कि इसमें चना का गुरा है, मकई का गुरा है, मूंग का गुरा है, जैसे कि इसमें आटा है। अभी जाएंगे बाजार में तो चोकर लेंगे, गुर लेंगे, ये इसका स्पेशलिस्ट है। और जो भूसा जो है, ये क्या है इनके जो सर पे जो? ये जट्टा है। हाँ इसको कैसे हो जाता है? ये पैदाइशी होता है। हाँ पूर्वज का देन। आप इनको कहाँ से लाए हैं? कहाँ? इसको हम बंगाल से लाए हैं। बंगाल से? हाँ दुर्गापुर से। दुर्गापुर से लाए हैं? कैसे इनको कैसे लिया? पैदल लेकर के आए हैं बंगाल से। आप पैदल बिहार लेकर आए? हम लोग असम, गुवाहाटी, सिलचर, मेघालय चलते हैं, नागालैंड तक चलते हैं हम लोग। हाँ। बांग्लादेश बॉर्डर तक जाते हैं पैदल ही। हाँ। इनको क्या सोच के लाए हैं गांव? ये नंदी है, देखिए आशीर्वाद देता है, हर काम ये करता है, जिसको आशीर्वाद दे देता है हर काम पूरा होता है। अच्छा ये गारंटी है। अच्छा ये बसा है, बैल है। बैल का जो आप देखते होंगे जब गाय को देखते हैं तो दौड़ने लगते हैं, ये इस चीज का इशारा? कभी नहीं दौड़ेगा बॉस, कभी नहीं दौड़ेगा। जब तक हमारे हाथ में तब तक कभी नहीं दौड़ेगा। जिस दिन हम डोरी काट देंगे, रस्सी काट देंगे, उस दिन के बाद चलना चालू हो जाएगा। आखिर क्या इसमें क्या है, ऐसा नहीं होता है? जब तक हम रहेंगे तो इसका जो हम दाना देते हैं खुराक, वो इसका जो है ना मटेरियल बनने नहीं देता है। नहीं बनने देता? नहीं। अच्छा अगर जो घास भूसा में अगर फ्री छोड़ देंगे तो अनेरो घास खाएगा। इसमें मटेरियल बनेगा इसका तो कूदेगा ही। ये किस कैसे आपका इशारा कैसे समझ जाते हैं? हम तो बोलते हैं मेरा इशारा नहीं समझता। आप थोड़ा जगह दीजिए। हाँ हाँ आइए थोड़ा घूमिएगा बाबा। अच्छा ये देखिए इन्होंने बोल रहे हैं तो ये घूमने लगते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए आराम से, बैठ जा बैठ जा। वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या बात है। इन्होंने बोले कि बैठ जाइए बाबा, तो बाबा जी बैठ गए। ये कैसे हो जाता है बाबा? ये बाबू हर चीज का ट्रेनिंग होता है। माँ बाप पैदा करता है, स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता है, बच्चा जाता है गोली खेलने। गोली खेलने वाला बेटा नहीं है। अच्छा। ये खटने वाला और दिमाग लगाने वाला बेटा है। हाँ। जो ही दिमाग लगाएगा वही पार जाएगा, नहीं तो बीच नदी में पार हो जाएगा। हाँ। अच्छा बाबा ये बताइए और भी कुछ काम करते कि इस बाबा? हर काम करता है बाबू। हाँ, हाँ। सिर्फ ये घूमने का काम करता है, आशीर्वाद देता है, दान दक्षिणा लेता है, चलते रहता है। दान दक्षिणा लेते रहते हैं जी? अच्छा आप इसी से मतलब? हमारा पासन पोलन होता है, इसी से चलता है।
यानी कि एक आप जो है आसाम बंगाल गए थे, बंगाल बंगाल से इनको लेकर आए जी, खरीद के लाए? नहीं, तो दान में मिला है। दान में आपको मिला जी? क्या कुछ मतलब दान? अर्जुन कुमार ठाकरे दिया है दान में, जिसको पासी बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बंगाल में ठाकरे बोलता है, वही दान में दिया है। अच्छा, कैसे, क्यों आपको दान में दिया? वो हमारा, हम लोग को पहचानता है, हमारा पूर्वज ही वहीं पे रहता है, बसावेल चलाता है। हम लोग देवचारी हैं। अच्छा, देवचारी हैं जी। कितने गांव घूम लिए होंगे अभी तक? अभी तक था ही नहीं है, बस था ही नहीं, नहीं। यानी बिहार के कोना कोना घूम लिए होंगे? कोना कोना, हम भी स्टेट ऑल इंडिया हम भ्रमण कर चुके हैं। वाह, क्या बात है। इन्होंने इस बैल को लेकर पैदल ही, क्या बस पे या किसी पे? पैदल, पैदल जी। इस पे कोई बस कोई ट्रक नहीं, सिर्फ पैदल। एक दिन में कितना किलोमीटर घूम? कम से कम 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर जी। अच्छा, फिर अभी हम और ही से आए हैं, और ही से आए हैं, और इधर से हम फिर और ही जा रहे हैं। अच्छा, तो जोड़ लीजिए, हाँ आप जोड़ लीजिए कितना किलोमीटर पड़ गया। फिर रात को कहाँ रहते हैं? रात को कहीं मंदिर मिल गया, स्कूल मिल गया, किसी का दरवाजा मिल गया, रह जाते हैं बस। अच्छा, रह जाता है। फिर आप खाना खाते? खुद बनाते हैं, खाते हैं। अच्छा, सारा सिस्टम लेके? सारा सिस्टम लेके। घर वो नहीं जाते आप? जाते हैं, घर भी जाते हैं। शादी ब्याह सब? महीना साल भर दो साल सब है, माँ बाप भाई बहन सब है। होता है ना कि माँ बाप को छोड़ के चले? हम कोई जोगी नहीं है, नहीं है। नहीं, हम पंडित हैं, गृहस्थ हैं। अच्छा, हम पचनिया हैं। अच्छा, पाच करते हैं। हाँ, हम पाचते भी हैं। अच्छा, पाचते भी हैं जी, लेकिन अब तो पाच उठ गया इसलिए नहीं पाचते, हम लोग पाच करते हैं। अच्छा, इनको जो आप बात बोलते हैं सारा? हम लोग जड़ी बूटी लगाते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे किसी को लकवा हो गया, गठिया हो गया, बात हो गया, बवासीर हो गया, मिर्गी आता है, सबका जरी लगाते हैं बस। हम छुरा देते हैं जी, पत्थर देते हैं, जरी देते हैं। अच्छा अच्छा, महादेव का सिंगार का कौड़ी देते हैं, पेमेंट लेते होंगे आप जी। अच्छा, इनको लेकर जो आप घूमते रहते हैं, इनका भी पाँव दर्द रहता है, तो फिर इसको क्या करते हैं? अब इनको भी पाँव दर्द होता है तो मालिश तो होता ही है बस। आप करते हैं जी? अच्छा, कहिएगा तो हम एक तेल आपको लगा देते हैं नाक में, थोड़ा बर्दाश्त करके देखिएगा। नहीं भाई, आपका मेंड फ्री हो जाएगा, और मेंड में अगर कोई भी तकलीफ कोई दर्द होगा तो आपका फ्री हो जाएगा, सिर्फ 2 मिनट रुकिए। देखिए, इन्होंने जो है इनके सर पे तेल रखा है, और बोला जा रहा है कि हमने जड़ी बूटी को रखे हुए हैं, जो जड़ी बूटी आपको लगा देंगे वो जड़ी बूटी आप बर्दाश्त नहीं कर पाइए, यही ना बाबा? हाँ बाबू। अच्छा, क्या सब रखते हैं? हर सामान रखते हैं, गिद्ध से, गिद्ध का सामान से लेकर के। कहाँ से लाते हैं ये सब सामान, कहाँ से लाते हैं? हम लोग बाबू बुलने टहलने वाले हैं, जंगली जंगली। आप लोग मुसाफिर है ना जी? जंगल जंगल से जो सामान मिलता है वही हम लोग के लिए जड़ी बूटी होता है। फिर बनाते कैसे हैं? कूट करके बनाते हैं, किसी को गाठी करके बनाते हैं। अच्छा, बहुत नियम होता है। हाँ, हाँ, उतना नहीं बुझिएगा आप। अच्छा, आपका ये वीडियो वायरल हुआ था एक जगह, आप इंटरव्यू दिया था समस्तीपुर में? समस्तीपुर में नहीं, यहाँ पे हुआ था। कहाँ पे? शाहपुर पटोरी में। शाहपुर पटोरी को हुआ था? हाँ बिल्कुल, यही बसा था जो अपने इशारों से सारे बातें बता देते थे, और बाबा जो भी सवाल पूछते इस बसा से, बसा जो है अपने मुंडी हिलाकर जवाब दे देते थे। बाकी ये जो बाबा जो है अभी कुछ चमत्कार दिखाने वाले हैं। एक क्या बोलते हैं इसको, ये तेल है बाबा? क्या चीज का तेल है ये? लौंग लहसुन का तेल है। कैसे बनाते हैं इसको? कूट करके बनाते हैं, जैसे सरसों का तेल निकाला जाता है, तीसी का तेल निकाला जाता है। अच्छा, इसको क्या कीजिएगा? सिर्फ आपको लगाना है थोड़ा सा। नहीं, हम नहीं लगाएंगे, कहीं नहीं लगाएंगे आपको, नहीं आंख में लगाएंगे, नहीं कान में लगाएंगे। हाँ। चलिए, हमको जो है सारा एक बार खींच ली। अरे बाबू, क्या हुआ बर्दाश्त बाबू? इसमें दोस्तों लहसुन का जो है, लहसुन है ना? हाँ, लहसुन लौंग। आंख में जो है देखिए आंसू निकलने लगा, इससे क्या होता है बाबा? ये सर दर्द के लिए काम आता है बाबू, किसी को मोच मचोर हो गया, किसी का पैर हाथ सूजता है, जहाँ पे होता है दर्द वहाँ एरिया हो गया, वहाँ पे नहीं लगाना है। अगर किसी को बच्चे को खांसी है, गर्दन पे लगा दीजिए, सीना में लगा दीजिए। हाँ। 10 साल से छोटा बच्चा को जब शरीर में नहीं लगाना है। अच्छा, यही सब आप बेचते हैं? हम यही सब बेचते हैं बस, पब्लिक सब ले लेते हैं? हाँ लेता है। चलिए, ये जो है मतलब यही दवा है कि और सा दवाई होता है? बहुत दवा है बाबू। अच्छा, कभी पब्लिक का रिस्पांस आपका आया है कि बाबा आप आए थे, मेरा सर दर्द कर रहा था, ये सब ठीक हो गया? आते ही रहता है, जितना नंबर लीजिएगा हर नंबर पे कॉल करके देख लीजिए। अच्छा, आप अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर 9150-26-52-89। आपको बहुत फोन आएगा? 9150-26 आपको फोन आएगा तो आप रिसीव कर लीजिए, उसको दवाई चाहिए तो फिर 24 घंटा वो हमसे संपर्क कर लेगा, हम दे देंगे दवा उसको। बाकी इनसे दवाई अगर लेना चाहते हैं, अगर आपका कोई भी परेशानी है, क्या चीज का परेशानी मतलब? गठिया से लेकर के लकवा मिर्गी जितना होता है, जिसको बाल बच्चा नहीं तो उसको हम बाल बच्चा भी देते हैं। ये नहीं, गारंटी नहीं लेते हैं कि बेटा होगा कि बेटी, लेकिन बच्चा होगा, इतना गारंटी लेते हैं। सच में? हाँ, 100% का गारंटी। और भी कोई
देखिए बात करने से इंसान को बिल्कुल बताया जाता है। चलिए इन्होंने सारा दवाई रखे हुए हैं, अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनका मोबाइल नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर चल रहा होगा, बाकी इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। बाकी इसके बसा को देखकर और इसके जो है जो इशारा किए हैं इसको देखकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।